हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं अबू भाई के प्लॉट, क्योंकि अबू भाई को थोड़ा काम है प्लॉट में। ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं। ताला नहीं खुल रहा है, लेकिन अबू भाई से देखते हैं खुलता है नहीं। खोल खोल बैठे, अब निकल रहा है भाई। ऐसा मत कहो अबू भाई, बहुत दूर से आए हैं। खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया। चलो अंदर एंट्रेंस है। यहाँ से आ चुके हैं हम छत पर। ये व्यू चेक करो गाइस, व्यू चारों तरफ खेत ही खेत और सामने पहाड़ हो रहे। ये नजर नहीं मिला पा रहे भाई। वहां पे बंधी हुई है भैंस, और ये होते हैं गाय के गोबर, क्या कंडा बोलते हैं, इनको जलाया जाता है, आग जलाने के लिए लगाया जाता है। सामने बहुत सारे खेत हैं, लेकिन बारिश इस कदर हुई थी हमारे यहाँ, ओले इतने भारी भारी पड़े थे, इसकी वजह से पूरे खेत खराब हो गए हैं। देखो आप, पूरा झुक गया है। क्या डॉगी कैसे कर रहा है? ओके गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं घर। पहले कुछ खाएंगे, मैगी वगैरह, आगे एक दुकान पे, फिर चलेंगे घर। लेट्स गो। ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं समोसे खाने। समोसे खा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, घर वाले खाने को नहीं दे रहे, तो समोसे खाने पड़ रहे हैं। ओके गाइस, मैं निकल चुका हूँ अकेला घूमने, अकेला पड़ गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, कोई आपके साथ नहीं होगा, आपको अपना काम स्वयं करना होगा। कभी कभी अकेले घूमने में भी मज़ा आता है, मिलता है, कभी ऐसे ही अकेले निकल जाना और क्या। अभी हम 5 मिनट बैठेंगे। मोड़ आ गई, मोड़ खतरनाक मोड़, मेरे घर वाले देख रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसी गाड़ी नहीं चलाता हूँ, ऐसे कभी कभी चलाता हूँ। यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी है, और आप लोग यहाँ का व्यू चेक करो। ये देखो सनसेट हो चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा भी होगा। 5 मिनट रुकते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ गाड़ी वगैरह नहीं आती है। ये हमारे पीछे का एरिया है, मेरे मोहल्ले का, सुभाष नगर का, बीजे नगर रोड। आपको थोड़े सिनेमैटिक लेता हूँ और दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। सामने वो छोटा सा पहाड़ है, उसे चढ़ते हैं, फिर जल्दी से सिनेमैटिक बनाते हैं। और सारी गाड़ी मैंने थोड़ी दूर पार्क कर रखी है, जल्दी चलो, अंधेरा भी होने वाला है। लेट्स गो। कम ऑन कम ऑन, फाइनली हम चढ़ गए हैं। व्यू तो काफी अच्छा है, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। गाइस, मैंने सोचा है हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और टाइम लैप्स बनाएंगे। पत्थर मैंने रख लिया है फोन को टिकाने के लिए। लेट्स गो। जोश में मैं चढ़ तो गया था गाइस, अब उतरने में मेरी फट रही है। अंधेरा काफी है भाई। गाड़ी पास हम लोग आ चुके हैं। वो जो पीछे का बैकग्राउंड है ना भाई, इतना प्यारा लग रहा है कसम से, आप खुद ही देखो एकदम क्या साइन मार रहा है। आज पता नहीं मेरी गाड़ी पता नहीं कितनी अच्छी लग रही है व्यू के हिसाब से।
बहुत अंधेरा हो गया, जल्दी यहाँ से चलो भाई। क्या मतलब सुनसान रास्ता, फिर भी तुम्हारा भाई डरता नहीं है किसी से, अकेले अकेले तब भी फाड़ देता है भाई। सामने बोर्ड, फिर भी नहीं डरेंगे, मेरा गंतु डरा है किसी से मुँह फाड़ दूंगा। नाम ना ना नाम ना ना, फोन को रखो जेब में और गाड़ी चलाओ, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। भाई सब मैं आ चुका हूँ विक्की दलाल के घर, देखो विक्की दलाल। तू भूल गया, तू मेरी खट्टी टॉफी का दलाल है। कहीं घूमने जाएंगे, फिर की गाड़ी मिल गई, भैया की गाड़ी पा गए फरार, भैया पूरा तेल खत्म। भैया घर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सैलिंग है, अपने घर वालों से थोड़ी डांट गाली खाते रहने चाहिए, इससे आपको प्रूफ मिलता है कि आप अपने घर वालों के लौते हैं। भाई ये बंदा मेरे को फालतू में घुमा रहा है, हर चक्कर में जा रहा है। मैं नहीं कराऊंगी, सबने खा लिया है, मिट्टी को काट लिया है, दबा के भाई क्या कहता है, कट चुका। मैंने ब्लॉग भी बनाया क्योंकि मन ने थोड़ी शर्म आ जावे है ना, ज्यादा लोग हो गए वैसे पैक करवा लिया है। खाने में शर्म, खाने में कैसी शर्म, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों अपने दोस्तों को हंसते रहें जब तक आप जिंदा हैं। देखिए ये हम लोगों की छोटी मार, कभी कभी जो अपने दोस्त ज्ञान देते हैं बड़े बुरे लगते ही होंगे, बस करके देखो कभी फिर कितने। भाई विक्की भाई का माल, विक्की भाई का माल ला, विक्की भाई का माल, भाई का माल ला, बाय बाय दो चार दे, बाय बाय गाइस। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।